दोस्तों यदि आप एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने भी इस तरह का गलती कर रखा है तो आपका भी चैनल बहुत ही जल्द हैक हो सकता है। क्योंकि हमें अक्सर आदत होती है अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और उसे अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना, चाहे किसी वेबसाइट पर हो जाए, चाहे किसी एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो वेबसाइट और एप्लीकेशन जेन्युइन हो, रियल हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, पर हमें आदत होती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंट में जीमेल अकाउंट लॉगिन है उसे ही उसमें अलाउ करते हैं और जल्दी से जल्दी उसमें उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलती बार बार करते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये चेक कर सकते हो कि किस किस वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया है और वहाँ पे अभी तक वो रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो ये आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर आते ही आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन हो जाना है, जिससे भी आपका मेन यूट्यूब चैनल क्रिएट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है। आपके मोबाइल की सेटिंग ओपन होते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक गूगल का ऑप्शन दिखता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आपके यहाँ पर जीमेल अकाउंट शो कर देगा ऊपर में और यहीं पर आपका चैनल का नाम भी शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। आपको यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखा देगा कि आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है और आपने कब पासवर्ड चेंज किया, वो सारा कुछ दिखा देगा। आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल करते करते आपको एक ऑप्शन दिखेगा, थर्ड पार्टी विथ अकाउंट एक्सेस। आपको इस ऑप्शन को ध्यान रखना है और यहीं पर आपको मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस पर क्लिक करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ ये कुछ इस प्रकार से ये ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे अकाउंट को अपने इस ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन किया है और अभी तक ये एक्सेस ले रहा है। यहाँ पर सारा डेटा आपके सामने है और यहीं पर आपको दो अकाउंट यहाँ पे जो दिख रहा है अभी रन भी कर रहा है, यानी कि अभी करंट में जो एक्सेस ये ले रहा है वो ये दो अकाउंट ले रहा है पूरी पूरी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मुझे इसमें से किसी पर लगता है कि ये फेक है या मुझे लगता है कि इसको एक्सेस नहीं देना चाहिए तो मैं सिंपली उसे ऑफ कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपली देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आपको नहीं अच्छा लगता है, जो भी वेबसाइट आपको नहीं अच्छा लगता है, सिर्फ उस पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ प्राइवेट ड्राइव का एक ऑप्शन है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको दिख जाता है कि कब मैंने इसमें साइन इन किया था, कब मैंने इसको अपना एक्सेस दिया था और यहीं पर रिमूव एक्सेस, यानी कि मैं इससे अपना कॉन्टैक्ट पूरी तरह से छुटा सकता हूँ। सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके का बटन है, तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कुछ ही देर में ये हट जाएगा और यहाँ से इसका एक्सेस भी हट जाएगा। इसी प्रकार से जो जो आपको पसंद नहीं है सबका आप एक्सेस हटा सकते हैं और अपने जीमेल अकाउंट को सेव कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को सेव कर सकते हैं। अगर इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में।